नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े। जिनको बेसन हजम नहीं होता, जो बेसन नहीं खा पाते हैं, तो वो भी पकोड़े बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इन पकोड़ों को कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल और उसमें लिया है पानी, सादा पानी है ये, और 3 आलू लिए हैं, उनको छीलकर मैंने पानी में डाल दिया था ताकि वो काले ना पड़े। अब हमने क्या करना है, आलू को ग्रेट करना है। तो आलू को हम इस तरह से ग्रेट करेंगे ताकि उनके लंबे लंबे छल्ले हमें मिल सकें। तो पानी में ही ग्रेट करेंगे। पानी में ग्रेट करने से क्या होगा कि इनका जो स्टार्च होगा आलू का, वो निकल जाएगा और आलू काले भी नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, जब हम स्टार्च निकाल देते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो स्टार्च निकल जाएगा इनका, तो आलू के जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इनका पानी अच्छी तरह से टाइट हाथों से निचोड़ कर हमने इनको प्लेट में रख लिया है, आलू के छल्लों को। पानी नॉर्मल है, आलू के छल्ले मैंने एक बोल में निकाल रही हैं। अब डाल रही हूँ मैं मिर्च, 1 टीस्पून है, और 3 हरी मिर्च हैं, मैंने बारीक काटा है इनको, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, और 6 कली लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दोनों ही कसे हुए हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार। 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ पोहा, जो फ्लैटन राइस होता है उसी को मैंने पीस लिया था, चिवड़ा भी जिसे कहते हैं, इसकी जगह आप चावल का आटा डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, पर टेस्ट में फ़र्क आएगा, चीज़ें चेंज करेंगे तो टेस्ट में फ़र्क आएगा। अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। अब सभी जो मसाले डाले थे हम आलूओं में मिला देंगे और बाइंड करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपके आलूओं में पानी है तो शायद आपको पानी ना डालना पड़े, पर मैंने बहुत टाइट हाथों से इसको निचोड़ा है आलू को, इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ा। तो बस हमने बाइंड करना है, इसका घोल तैयार नहीं करना है, बस ये बाइंड हो जाए, ये देखिए इस तरह से। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए, एक बार थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम, और अपने जो आलू के छल्ले हैं उसके पकोड़े हम बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, क्योंकि बहुत से लोगों को बेसन हजम नहीं होता और भारी भारी सा लगता है, तो उनके लिए ये बिना बेसन के पकोड़े हैं, तो बिना बेसन के भी पकोड़े बनाए जा सकते हैं। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लेना, बहुत ज़्यादा इनको नहीं तलना है, नहीं तो इनमें कड़वापन आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपने काले काले कर दिए तो। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बस हम इनको सर्व कर लेंगे। आप इसमें हम सॉस से खा सकते हैं इसको, आप इसको हरी चटनी से खा सकते हैं। ये देखिए, तो आलू के छल्ले वाले पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।